झारखंड राज्य के गुमला जिला में लोगों ने झारखंड बनने का सपना देखा था। वहीं गांव के लोगों ने सपने को संजोया भी था। अब गांव का विकास होगा, लेकिन अब तक गांव का विकास नहीं हो पाना बड़ा सवाल है। इधर 5 गांव के लोगों ने श्रमदान कर सड़क को ममर्ती कर दिखाया है। जो काम सरकारों ने सालों साल में पूरा न कर सके, वो काम को गांव के ग्रामीणों ने कर दिखाया है। ग्रामीणों की श्रमदान की तस्वीर शासन और सुशासन का मुंह चिढ़ा रही है। मामला गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित इलाके का है। तस्वीर है पहाड़ के तलहटी में बसा सुदूरवर्ती क्षेत्र दरगांव पंचायत के नाम से जानी जाती है, जिसमें 5 गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर सलामी गांव से लेकर चांदगो पथ के 5 किलोमीटर सड़क को श्रमदान कर बनाया। गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से 2 दिन में 5 किलोमीटर सड़क बनाकर प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। ग्रामीण वर्षों से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बना डाली। इतना जो तकलीफ है कि कहीं हम इनके कहीं आना जाना भी दिक्कत हुआ थे, और कोई मर मरीज के लेके ले भी दिक्कत हुआ थे, और कोई सीरियस वाला के लेते तो रास्ते में डेट कर देते, ना करने प्रशासन साथ देते, ना विधायक साथ देते, ना संसद साथ देते, ना कोई सरकार साथ देते। चले हम इनके रोड तो बहुत जरूरी मिले चाहिए, तबे पब्लिक कर हल हो सकेला। और कहे कि हम इनके कहीं आना जाना भी दिक्कत है, कोई दुख बीमार हो जाए तो बेसी तकलीफ है, और डिलीवरी के लिए में तो हम इनके सीधे मरेखे पड़ जाएगा। ना गाड़ी मिले, ना घोड़ा मिले, गाड़ी घोड़ा हो है तो रोड न खे तो हम इनके कुछ न थे, ना संसद सुना थे, ना विधायक सुना थे, कोई सरकार हमारे पर ध्यान न थे, कोनो सरकार वही नहीं आई तक से हम इनके पब्लिक में ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि ग्रामीणों ने बताया, घाघरा प्रखंड क्षेत्र को चैनपुर अनुमंडल गुमला जिला को जोड़ने वाली सलामी चांदगो मुख्य पथ दुर्गम जर्जर हो गया था। दरगांव पंचायत के 5 गांव के ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खास करके बारिश के दिनों में सड़क चलने लायक भी नहीं रहती थी। कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसका भगवान ही मालिक है। अस्पताल तक ले जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती। लोगों को गुमला मुख्यालय पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी को तय करना पड़ता था, जिससे अन्य जरूरत के सामानों को गांव तक पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दिक्कत है दहर में, जैसे दरगाह पंचायत होला सेकर से गोटे कोई के रोड न खे, सेकर में बहुत दिक्कत हो। हमरे मन गांव वाला आही रोड के बना ले, प्रशासन हमरे के मने ध्यान देते ना, मने कोई संसद विधायक कोई देखना वोट लेवे ले भर मांगे ले भर आबे नहीं देखा देखा था। इसलिए हमरे मन गांव वाला मिलजुल के आही रोड के बना ले, मान ले कि हमार गांव घर में डिलीवरी केस में है, दुख है, बीमार है, आवे जा के ले एक घंटा कर डहार के मने दू चाहे 4 घंटा लागे ला हमरे के हॉस्पिटल पहुँचा ले, तो इसलिए हमरे मन के रोड के बना ले मिलजुल के आही। सरकार जब रोड नहीं रही तब तक से वोट नहीं देवा अब्रिक तक कहा थी। नेता मन खाली हमरे वोट लेवे ले भर आबे मांगे ले, और ना कोई इतना इतना होलक से खन आई से लेकर के झारखंड अलग होलक से 20-21 साल हो गेलक, ते आज हमरे के रोड बनल नखे, एखनो हमरे मन जहदम में डूबल है। तो आप तो गाँवें कर आप मिलजुल के हमरे कहा थे कि चला दरगाह पंचायत कर वोटे नहीं देव, कोई संसद हो चाहे विधायक हो चाहे मुखिया हो चाहे कोनो हो। वहीं दरगांव पंचायत के कड़ासिली, हेडनी, तुसगांव, सलामी, दरगांव के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर सड़क निर्माण कर 5 किलोमीटर की सड़क को ग्रामीणों ने दुरुस्त किया, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा मिलने की बात कही है। हालांकि सलामी चांदगो पथ का ग्रामीण रोड का मरम्मत किया, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जिसमें 2 और 4 पहिया वाहन सहित साइकिल पैदल चलने में भी ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस पथ पर एक्सीडेंट भी हुआ है। जितना भी हमरे मरकर जनता आज रोड कर
खराब के चलते हमरे मन के इतना महसूस होएला, खराब महसूस होएल कि हमरे मन के आना जाना बड़ी दिक्कत होएला। आज पूरे पंचायत दीर्घा पंचायत कर हमरे मन आदमी निकल करके आज चंदगो से लेके सलामी सलामी तक रोड बनाए के पूरे एरिया कर आदमी निकल ही। आज से नहीं हमरे मन जग विधायक जग सांसद जग और सरकार के कितने गोहराली, लेकिन फिर भी आज तक हमरे मन के सरकार ध्यान नहीं देते। आज हमरे मन के बड़ बीमारी पड़ जाए, इतना परेशानी आवेला कि हमरे मन के कहल नहीं जाएला, लेकिन आज हमरे मन के सरकार कुछ नहीं समझते। यह समझेल कि हमरे मन ये एरिया कर आदमी सिर्फ विधायक और सांसद वोट मांगे कर भागीदारी होना, और हमरे मन कर तकलीफ के हमरे मन कर दिक्कत के ये क्या है उके कभी नहीं पूछे ना। जाबा तो मतलब कहबे कि नहीं हमरे मन ये उस एरिया के लिए कुछ नहीं, तो इस तरह कर हमरे मन के मुसीबत है। तो आई जी हमरे मन के ये पूरे सरकार के भी जानकारी देते वास्ते आई जी पत्रकार के हमरे मन से सूचना कराती कि आई हमरे मन के सरकार के ये पब्लिक के का दिक्कत है, का मुसीबत है, और ये मुसीबत के ना सरकार समझेल ना तो ये हमरे मन के विधायक सांसद समझे ना। हमरे मन कई मरतबे सांसद के ये विधायक के सूचना कर ली, फिर भी हमरे मन के गोहराई के हार गिरी, लेकिन हमरे मन कर मुसीबत के सोचे वाला नखे। तो आप हमरे मन का कर सकीला और लचारण में हमरे मन के व्यवस्था कर लचारण में हमरे मन अपन पब्लिक की कर सुरक्षा वास्ते गाड़ी कर सुरक्षा वास्ते हमरे मन अपन रोड बनाए के लिए पूरे ग्राम दरगाह पंचायत कर आदमी निकल ही। आज चंदगो घाट से लेके सलामी तालाब तक मरम्मत वास्ते करेले हमरे मन सब कोई पूरे जनता दरगाह पंचायत कर लागल ही। तो और क्या कहल जाए, बस बहरहाल जो भी हो ग्रामीण पथ जर्जर होने के कारण लोगों में गुस्सा है। अब ग्रामीण गोलबंद होकर श्रमदान कर मिसाल दी है, वहीं दूसरी ओर श्रमदान की तस्वीर शासन और सुशासन को मुंह चिढ़ा रही है। गोलबंद ग्रामीण वोट का बहिष्कार की बात कही है और नेताओं को गांव में घुसने नहीं देने के फरमान को सुनाया है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।